मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो आज हम लोग काफ़ी टाइम से इमर्जिंग इंडिया की, हमने पिछले तो हमने इमर्जिंग इंडिया की एक वीडियो देखी और फिर एक इंडिया की एक और वीडियो देखी कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इंडिया में क्या चेंजेस आई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इसी तरह और भी आप लोग हमें सजेशंस देते रहते हैं, तो कुछ दो चार लोग, कुछ लोगों ने और भी हमें बोला कि इमर्जिंग इंडिया 2022 देखें, इसमें जी द अपकमिंग डेवलप्ड सिटी कंट्री और मॉडर्न एंड डेवलपिंग नेशन, मतलब इसमें भी आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो उसके बारे में हमें बताया जाएगा। सो ऐसी वीडियोस हमेशा बहुत नॉलेज देती हैं और इंटरेस्टिंग भी होती हैं। एंड एक्सप्लोर इंडिया चैनल का नाम है इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसे चेकआउट करोगे। वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन, स्टे विद अस। ऑन 76th इंडिपेंडेंस डे, ऐसा ही भाई अभी अभी की है, पीएम मोदी वाउड टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन विद इन जस्ट 25 ईयर्स। 25 साल, अगले 25 साल, 20-25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए हो, मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल। वाह वाह, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, ये भी आनी है ना, इनॉग्रेट हो गई भी है, मतलब इलेक्ट्रिक बस है, ऐसी बायर होती है। अच्छा, रिप्लेस करेंगी पिछली बसेस को। एसी बस is powered by a 231 kilowatt hour battery, range up to 250 kilometers for intercity. I feel that once upon a time when I was elaborating to Gopiji at a time in London, that you started this double decker electric bus in Mumbai, you really fulfilled that promise. And as a personally, I am giving my special thanks to you and your family for this achievement. And once again, this is the future. EV है ना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाँ, फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी सारी दिखाते हैं। ये वही तो नहीं है जो हमने देखा था पिछले दिनों, बन रहा था। हाँ, बन चुका है। नहीं, अभी बन रहा है, इस पे काम हो रहा है। और ऊपर से रेल गुजरेगी, क्या होगा? हाँ, ब्रिज है ये, हमने पिछले दिनों देखा था ना। नॉट ओनली अ सिंगल प्रोजेक्ट बट मेनी मोर। ओ, ये देखा ऊपर, दीज अपकमिंग इंडिया मेगा प्रोजेक्ट्स आर नॉट ओनली एम्बिशियस बट दे माइट इवन चेंज लाइव्स अराउंड सेक्टर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री टर्नओवर टू रीच 200 बिलियन बाय 2026। India's second largest road network in the world in length of 6.2 million. Aviation, India to become the third largest aviation market. Oh. Sector telecom. हाँ, ये तो हमें पता बताया था पिछली वीडियो में भी, second largest telecom है। Tourism and hospitality 7th number पे आता है। Defense manufacturing, India's around 195 defense tech startup building innovative tech. सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो भी हमें बताया गया था। हाँ, ये थर्ड या फोर्थ नंबर पे था, फोर्थ पे। डिजिटल टैलेंट के बारे में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 30.9 बिलियन बाय 2024, ई कॉमर्स 2 ट्रिलियन बाय 2032। Renewable energy, India has the largest renewable energy expansion plan globally. ये भी हमने देखा था पिछले दिनों। The nation has the largest ongoing opportunity, biggest ongoing. Let's have a look at the mega projects in India that are ongoing and currently under construction.
ये हमने देखा था, जो सारा ढोलेरा का भी देखा था, टॉलेस्ट टावर्स, सागरमाला प्रोजेक्ट, ये तकरीबन सब हम देख चुके हैं, हाईवेज और एयरपोर्ट का भी देखा था जिसमें 6-6 रनवे होंगे। ये नहीं देखा ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन, अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन का हमें बताया गया था बहुत फास्ट होती है और पॉसिबल फ्यूचर एनर्जी। इंडिया हैज 25% ऑफ द वर्ल्ड लार्ज यंग पॉपुलेशन, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, लैंग्वेज स्किल्स। इकोनॉमी तो मास ट्रांजिट सिस्टम, India is going urban. Reports estimate that the urban population in the country will nearly double to 877 million people by 2050. Double ho jayegi population. Okay, यार, so more or less जो हम emerging India videos देखते हैं ना, या हमने India by 2030 कैसा होगा, वो तकरीबन more or less same होती हैं, लेकिन कुछ चीजें नई होती हैं। अब जैसा इसमें वो बता देते कि पीएम मोदी ने अभी इस इंडिपेंडेंस पे बोला कि 25 साल में इंडिया जो है ना वो एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। और अच्छा, हमने ना इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स देखे हुए, एक दो प्रोजेक्ट्स जो भी आए थे वो हमने नहीं देखे, चाहे वो हाईवे का हो, हाईवेज जो है, चाहे वो एयरपोर्ट्स का हो। अच्छा, हमें फिर वही बातें जो सारी थी कि सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके अलावा सेकंड टेलीकॉम, हाँ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। अच्छा, डबल डेकर बस जो लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक, उसके बारे में बताया गया, बुलेट ट्रेन आने वाली है, उसके अलावा ब्रिजेस जो बन रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं कि कोई जो जिनके पास जॉब्स नहीं होती, ज्यादातर लोगों के पास जॉब्स भी हो, जो अक्सर इश्यूज होते हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, वो चीज कह रहे थे कि अगर ये चीजें कंट्रोल हो जाए ना, मतलब इन्फ्लेशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो कुछ पॉइंट्स वो बताए थे, तो फिर उनका भी बात हुई। और फॉरेनर्स जो आते हैं वो भी तारीफ तो इंडिया को एक अच्छे पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी वीडियोस के जरिए। बहुत बड़ी बिल्डिंग और उसके बीच में ऊपर पूल शूल बना हुआ था, हाँ एक बिल्डिंग उस टाइप की बन रही है यहाँ पर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें इंडिया नंबर वन है। एविएशन थर्ड नंबर पर है और टूरिज्म जो है वो 7th नंबर पर रैंक करता है, और बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं, और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, रेलवे जो हमें पता है 4th नंबर पर रेलवे सारा जो है, और बाकी ई कॉमर्स की बात की गई। उसके अलावा इसरो का हमें भी देखा था ना कि इसरो की बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, और बताया कि साइंस की भी इसमें बता रहे थे, साइंस के वाले से भी बताया। 7th इनकी लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, और इकोनॉमी जिस तरह से ऊपर जा रही है, जीडीपी की भी बात हुई, आर्म्ड फोर्सेस की बात हुई, सिनेमा की बात हुई कि सिनेमा किस तरह से और क्या क्या। एक कॉर्नर ने भी लगाया हुआ था कि इंडिया का जो बिगेस्ट मॉल है, मॉल्स यहाँ के, एक एक चीज के बारे में बताया हुआ है। और ये भी हमको बताया गया कि इस टाइम तक जो है वो जो सेक्टर्स हैं वो किस कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मतलब कोई ट्रिलियंस में था, कोई मिलियंस में था, ये भी हमको बताया गया। तो कुछ चीज़ें नई थी, कुछ चीज़ें हमको पहले से पता थी, लेकिन जिस तरह से वो बताने का अंदाज होता है या बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलता है तो वो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी अच्छा होता है। एंड आई होप आपको भी हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। एंड अगर इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे ब्लॉग चैनल जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड सेलिब्रेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए हम नए रिएक्शन लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।